Port valid Eagle owl ported in the sea Shalam in Andhra Pradesh. So it's a species founding in India. The complete trade of these species are banned under the sites as well as the wildlife protection, act. but in the IUCN, these are under the least concern, but the trade is banned in India, international trade banned under the sites as well in the India, let's see about the, bird. it's a nocturnal, they are silver gray with a yellow bill, black eye sweeping sideward facing horns.

अंडर द आई यूसीडिक्स टू नॉट जस्ट दिंगल ऑफेंस अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इंटरनेशनल ट्रेड ओल आउल्स इनका ट्रेड बिल्कुल ही नहीं है तो वहां पे ओल आ उसको एक्सट्रीम स्टेटमेंट समझना तो इट कैन बी करेक्ट Which type of can on this? तो नहीं पूछ रहे हैं ओल्ड वाली स्टेटमेंट आएगी हैबिटेट लॉस इश्यू क्या है इनका ना है न्यूज में अभी मिला है बस आंध्रा में ना इट्सिंग आंध्र प्रदेश हर जगह पे विजिबल नहीं होता है वो जा रहा है कम हो रहा है तो दिस इज द बर्ड दिस इज फाउंडिंग इन दी कैन से न्यू दिल्ली भूटान बांग्लादेश ऑल ओवर एशियन कंट्री कलकत्ता इंडियन हर जगह ही मिल रहा है मीनस ना देखा है किसी ने उल्लू दिल्ली जू तो दिस इज फाउंड इन द नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व इन एनवायरमेंट इफ देर इज एनी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट फॉर एनी स्पेसिफिक एनिमल फॉर एनी स्पेसिफिक बर्ड यू नीड टू नो उसको एक जगह लिख लो सब प्रोजेक्ट्स को किस प्रोजेक्ट के लिए क्या चलाया गया है ब्लैक बग के लिए चलाया गया कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कहाँ पे चलाया कि स्टेट ने इनिशिएटिव लिया है टाइगर्स के लिए पूछ चुका है एलिफेंट्स के लिए पूछ चुका है स्नो बियर के लिए स्नो लिपर के लिए कोई प्रोजेक्ट चला है उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए तो वो सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए राइनोज राइनोज का पूछ चुका है काफी टाइम but recently the IUCN give a credit to the india for the conservation of the elephant and the rhino so maybe there is a question on it